और वहीं जोशीमठ आपदा में कैजुअल्टीज बढ़ने की आशंका आखिर किसने जताई? नीति घाटी कितने गांव का टूट चुका है सड़क संपर्क? और कैसे देवदूत बने सेना के जवान? इन खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 मिशन रेस्क्यू। जोशीमठ तबाही पर बड़ा एक्शन जारी है। SDRF, ITBP और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। देहरादून से एयरलिफ्ट कर भेजे गए NDRF की कुल 6 टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के जवान आपदा से प्रभावित रैनी गांव में पहुंच चुके हैं, जहां वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। वहीं मेडिकल टीम को भी सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचाया, जिससे राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके। ग्लेशियर की तबाही के बाद अब उसके निशान दिखने लगे हैं। इस आपदा में धौली गंगा नदी के पास मलबे में कई लोग दबे मिले, जिन्हें निकालने के लिए ITBP के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई लोगों को मलबे से निकाला गया, जबकि कई लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। आपदा में फिलहाल 150 लोगों के लापता होने की खबर है, लेकिन उत्तराखंड सरकार के सूत्रों की माने तो ग्लेशियर की इस तबाही में इससे कहीं ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, क्योंकि नीचे रेलवे प्रोजेक्ट के मजदूर भी इस हादसे में लापता बताए जा रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि कैजुअलिटी की संख्या बढ़ सकती है। सायरन की आवाज से ऋषिकेश का इलाका गूंज उठा। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने के बाद यहां अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों को तुरंत ऊंचे इलाकों में जाने की चेतावनी दी गई। प्रशासन और SDRF की टीम लोगों को सावधान करती नजर आई। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद उत्तराखंड प्रशासन ने अफवाह नहीं फैलाने और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही आपदा में फंसे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 और 9557444486 जारी किए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र से लेकर राज्य प्रशासन पूरी तत्परता से जुटा है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद रुड़की में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी गई। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। किसी प्रकार का कोई भगदड़ न मचाएं, कोई अफवाह न फैलाएं। जोशीमठ में त्रासदी के बाद हरिद्वार में प्रशासन चौकन्ना है। पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम बाढ़ चौकियों के साथ संबंधित विभाग अलर्ट मोड पर है। सिटी मजिस्ट्रेट कई अधिकारी के साथ हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पहुंचे और नदी के जलस्तर का जायजा लिया। निचले इलाकों से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चमोली में ग्लेशियर के फटने से नीति घाटी के करीब 9 से 10 गांवों का संपर्क टूट चुका है। मोटर पुल से जुड़ने वाली कई सड़कों पर आवागमन ठप है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। CM ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर मदद का भरोसा दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।